वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आजे सब इस्लाम की तरफ। अच्छा भाई, आज आया एक गाना, एक तरफा जेड्रिक्स सब स्पेस, सब सब हम सब, हम सब उम्मीद से हैं। तो भाई जेड्रिक्स आया, और सच बोलूं तो मैं इंडिया के चुने चुने आर्टिस्ट पे व्यू चोरी करता हूँ। उसकी पता नहीं क्या वजह, क्योंकि मेरे को जो आर्टिस्ट पसंद आते हैं मैं उन पर व्यू चोरी करना पसंद करता हूँ। सीधी जो बात है भाई, मैं क्या घूमू। तो जेट्रिक्स का गहना एच का है। गाना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जेट्रिक्स क्या लेकर आया। भाई मेरे को पता है इसकी वीडियो भी अच्छी होगी और इसका म्यूजिक भी अच्छा होगा। खैर हाँ, मैं शायरों से हूँ, पीठ पीछे बातें करता कायरों से। तू हम उनमें से जो रहते हैं नहीं दायरों में, खुश लॉस लेते अपनों के साथ बस फायदों में। तू रहना कायदों में, तू या सर फिरे तो खोलते सर और सर को देते घूस। घर को चल के घर बनाते, घर नहीं रहता कुछ डर के डर सर को देते। ओ यार, ये शर्म नहीं आती मेरे साथ इस तरह। मेरे ये अर्बन मंकी बना मैंने से, दिल डैमेज हुआ, डैमेज हुआ दिल। ये तुमने बात करके, ये घूस और ये सर को कहां से सर जोड़ा तुमने, ये शड़ा कर नहीं रहता कुछ डर के डर से, रब के दर पे जाके सर झुका दे दुष्ट। वैसे तो लिख डालू मैं इस दुनिया की दास्तां, पर सुन के हो जाने नाराज सारे खामखा। शिट, मैंने फिर सच लिख दिया, इन मुलायम जिगर के दिलों पे कष्ट लिख दिया। इस दुनिया में बस जिंदा नहीं चुनिंदा रहे, और तेरे निंदा करने वाले हमेशा जिंदा रहे। उनमें से जितने लगे सही उनको खास रख, फालतू उंगली करते तो तेरा फर्ज की वो शर्मिंदा रहे। जिंदगी जस्ट मुझे इसे मनाने दो, महंगे लफ्ज मुझे नोट भी करारे दो। जो देते भाव कम उसी के पास भागे लोग, इंसानी इतिहास कम समझते सब सहारे को। ये दिल साफ चाहिए हंसाने को, तोड़ते तो सब जिगर लगता साथ निभाने को। रूठने के बाद ज्यादा प्यार मिलता प्यारे को, टूटने के बाद ज्यादा भाव मिलता तारे को। हर एक चीज को तो पोल्ट्री हो रही है बहन, जो सड़ पे हो जाए शट अप। तू धंधा ईमान, और तेरे हक का नहीं तो उसको चंदा ईमान। और दूर का दिखता नहीं जो तुझे अपने नजरों से, तो इस जमाने में तू खुद को अंधा ईमान। हम भगवान के बाद शमशान से पहले, पैसा कभी आने देते नहीं सम्मान से पहले। खून से ज्यादा प्यार मैं क्या करूं, मैं तारीफ करूं सबस्पेस की तारीफ करूं जेट्रिक्स की। मत चौधरी है यहाँ पे बीट के साथ और लिरिक्स के साथ, क्या दिमागी तबादले। मैं गांडू बस, मैं तस्लीम कर दिया, मैं पागल हूँ। हर बाटी ये दिल इंसान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान से पहले मैं करता रैप जैसे जिंदगी है दाव पे। लिरिक्स मेरे गाने मेरे मलम अपने खाओ पे, धूप में है मेहनत तभी खुशी मिलती छाव में। उखाड़ते जो कम ज्यादा दिखते वही भाव में, बार्स का है पूरा स्टॉक, गैंग फुल पावर है सारे लड़के लोग। फ्यूचर दिख रहा ब्राइट, हम अंधेरे मेरे लिए बहुत। विजन रहता क्लियर, अपना टाइम लाने के लिए वी डोंट माइंड वर्किंग राउंड द क्लॉक। मैं चढ़ू माइक पे तो तेरे फेवरेट रैपर्स गिरे नजरों में, दिलों में मैं छपा हुआ आता नहीं मैं खबरों में। स्किल्स पे भरोसा, हम ना हाइप लेते लफड़ों से, ये क्लाउड चेजर जाने लेना व्यूज जाके कब्रों से। ये नई सोच नई नोट, तभी सतरंगी है जेब में और अतरंगी हर ख्वाब है। ये लव पीस यूनिटी रखते सबसे ऊपर, करते मेहनत तो सब हासिल अपने आप है, हमें खास हूँ। जिंदगी एक बार मिली झील है, जाम खुले गम में तो पीले। अपने लोगों को लगा के रखना सीने से, प्यार दे नफरत को तो ठील दे। जिंदगी एक बार मिली झील है, जाम खुले गम में तो पीले। अपने लोगों को लगा के रखना सीने से, प्यार दे नफरत को तो ठील दे। कुछ करना पड़ना है इस लड़के का, कुछ करना पड़ना है इस यार ये क्या हो रहा है आजकल, गाने बहुत सबसे आज सारे लगता है कयामत करीब आने लगी है। सारे अच्छे अच्छे गाने निकाल सारे अच्छे गाने निकाल रहे हैं हम लोग। ये राइम, ये फ्लो, ये मेलोडी कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ साइड पोस्ट ऐसा लगा डिवाइन को मैं सुनो। लेकिन जेट्रिक्स की एक बहुत गंदी चीज है कि कभी डिसअपॉइंटमेंट लाता ही नहीं है मेरे मुंह पे। पता नहीं क्या मेरा दिल करता है कभी किसी रैपर को रोस्ट करने को, लेकिन कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं रहा आजकल मिंटा के अलावा। खैर ये काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होगा, एक तरह से मेरे लिए थेरेपी होगी। और यार ये बहुत रियल नहीं है आर्टिस्ट, मतलब सुनते हुए बंदे को ऐसा महसूस होता है कि यार मतलब टूटने के बाद भाव मिलता था। क्या बात कर दी यार बहन, जो भाव हो गया मैं, भाव 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 कुत्ता बन गया मैं। तो भाई
इसके गाने जो होते हैं ना कहीं मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब डाल के चले जाते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मुझे उसने डिप्रेशन से निकाल दिया, नहीं, बट एक उम्मीद जगाना। तुम्हें पता है इसके गाना जो था वो जिंदगी स्ट्रीट उस तरह का, या मैं कैसे समझाऊं, मैं बहुत रियल है, मतलब अपने लिरिक्स के अंदर और इमोशंस बहुत अपने अच्छे करके डाले। वो कहते हैं ना यार, वो आजकल जेम है ये इस बंदे को डायमंड है, इसको संभाल के रखो ब्रो, ये डायमंड है। सो हाँ, और ऊपर से मसाला डाल देता वो सब्स में। मैं इस बंदे को इस तरह देख रहा हूं ना कि यार मैंने देखा है जिसकी कांड फार, मतलब वो होता है ना कंटेंट, उसको टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने में, बट क्या होता है ना उसके फैंस बहुत कट्टर बन जाते हैं। और मेरा मानना यह है, क्योंकि हम खुद, हमारे अंदर खुदा है, खुदा खुद ही खेल रहा है, तो वो उसको वो हिस पसंद आ जाती है और वो एक टाइम आता है उसको खींचता है ऐसे, और फिर वो रुकता नहीं है वो, और वो सीन होगा मुझे इस आर्टिस्ट को देखकर। सो हाँ, मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो पे। बहुत ही बढ़िया बाबा जी, यस कमांडो।